ब्लाइंड क्रिकेट के तीसरे T20 वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला इंदौर के खालसा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सोमवार को स्पर्धा के आयोजन समिति के चेयरमैन कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेडियम में दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहेगा। मैच के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। खन खन करती बॉल की आवाज, ब्लाइंड खिलाड़ियों का तीसरा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया शनिवार 10 दिसंबर 2022 सुबह 9 बजे खालसा स्टेडियम इंदौर। हर नए सुबह की नई शुरुआत होनी चाहिए, दिव्यांग जनों के हितों की अब बात होनी चाहिए। चल पड़े हैं लेकर हम तो अपना कारवां, आप में और हम में जज्बात होने चाहिए। वो पूरे दम से लगते शॉट, बुलंद हौसले, बुलंद इरादे, किसी कमी पर नहीं मोहताज। हमें दया नहीं प्यार चाहिए और जीने का अधिकार चाहिए। ब्लाइंड खिलाड़ियों का तीसरा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया शनिवार 10 दिसंबर 2022 सुबह 9 बजे खालसा स्टेडियम इंदौर। आइए साक्षी बने इस अविस्मरणीय पल के। ब्लाइंड क्रिकेट के तहत खेले गए पहले T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। लगभग 5 साल बाद एक बार फिर इंदौर की धरती पर दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा। इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा जो इंदौर के खालसा स्टेडियम में खेला जाएगा। 10 दिसंबर को होने वाले इस मुकाबले के लिए खालसा स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि छन छन करती बॉल की आवाज पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपने जोहर दिखाएंगे। इस मैच में दर्शकों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इंदौर सिटी के लिए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी है ना, एक गौरव की है ना क्षण है। हमारी वर्ल्ड कप है ना, ब्लाइंड क्रिकेट का है ना मैच, एक मैच है ना यहाँ हो रही है। वैसे तो है ना कल ऑलरेडी वर्ल्ड कप मैच है ना शुरू हो चुका है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो इंदौर का है ना खालसा स्टेडियम में है। डेफिनेटली हमारे लिए गौरव की क्षण है। अभी जस्ट 3 तारीख को हम लोग ने विश्व विकलांग दिवस भी ना मनाए हैं, तो उनको एक इंक्लूसिवनेस सभी ना क्षेत्र में हमारी ना दिव्यांगों का है ना मतलब पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा है ना चीज़ें रहेगी। सो खालसा स्टेडियम में 10 दिसंबर को 9 बजे से ना मैच ना शुरू होगा, उसके लेकर हम लोग ने सभी तैयारी कर दी गई है। उसमें ना मुख्य अतिथि भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी है ना इसका है ना पोस्टर का विमोचन है ना किया गया था। इसके पहले आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में आई थिंक प्रॉब्ली इंडिया ने ही जीता है, आई थिंक उसको है ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी है ना उनका टीम के साथ है ना मिल करके है ना सम्मान किया गया है, उनको है ना हौसला है ना बढ़ाया है। तो हम लोगों ने सारे स्कूल्स और शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, कॉलेजेस हैं, उसको भी हम लोग है ना इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स है ना अपना देख भी ले, एक इंक्लूसिवनेस है उसके बारे में सीखे भी है, और उसके अलावा लोगों को ना उनको मोटिवेट भी करें, प्रेरित करें। सो आपके माध्यम से भी है ना मैं आम नागरिक को भी मैं अपील करता हूँ, या सभी जनप्रतिनिधि सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ये एक हमारे लिए डेफिनेटली गौरव की क्षण है। सो 10 दिसंबर 9:00 खालसा स्टेडियम में ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है ना ब्लाइंड क्रिकेट का मैच है, बिल्कुल T20 मैच है, उसको बिल्कुल आप पधारें, इसका मैच का भी आनंद लें और हमारी इंक्लूसिवनेस है उसको हम लोग ना सेलिब्रेट करें। 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 34 मैच होंगे। इनमें भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।